हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो हमारे जो कैंसर का खतरा है उसको रिस्क को कम करते हैं। जिसको जैसे फर्स्ट हार्ट अटैक आ चुका है तो एंटीऑक्सीडेंट से वो किस तरीके से वो हार्ट अटैक से बच सकता है। जो हमारी जो भी लेटेस्ट रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग एंटीऑक्सीडेंट हमारे हार्ट अटैक के खतरे को रिस्क को कम कर सकता है। तो हम देखते हैं कि किन फूड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और हम रिसर्च भी देखते हैं कि रिसर्च में क्या आया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट की पहचान की है जो दूसरे हार्ट अटैक या स्ट्रोक के खतरे को कम कर सकता है। इस खोज से हमें ये पता चला है कि जो नया इलाज है विकसित करने के लिए एक राह खुल सकती है। अमेरिका के ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये किया है कि पहले हार्ट अटैक स्ट्रोक का सामना करने वाले चूहे को एपोसेनिक एंटीऑक्सीडेंट के साथ इलाज किया। यह एंटीऑक्सीडेंट प्लैक जमाव को आधा करने और सूजन को निम्न करने में प्रभावी पाया गया है। यह लंबे समय से ज्ञात है कि पहले हार्ट अटैक या स्ट्रोक का सामना करने वाले रोगियों को में कुछ महीनों के अंदर इसे दोहराव पर खतरा रहता है। तो इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स अगर खाएंगे तो हम हमेशा ब्रेन ट्यूमर नहीं हार्ट अटैक जो है उससे बचे रहेंगे। डार्क चॉकलेट, हम डार्क चॉकलेट्स में काफ़ी प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और भी काफ़ी विटामिन्स होती हैं। ब्लूबेरीज खाने से भी एक्चुअली ये एंटी एजिंग के लिए भी अच्छा है। रास्पबेरीज, नट्स जैसे कि काजू बादाम, जितने भी आपके मेवे हो गए वो सारे नट्स में आते हैं। ब्लूबेरी और रास्पबेरी जो हिमाचल है इस साइड में ज़्यादा मिलता है, ठंडे एरिया में होता है। और डार्क चॉकलेट्स आप जानते हैं, और डार्क ग्रीन जितने भी वेजिटेबल हैं जिनका कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन है वो डार्क ग्रीन में आएंगे। बीन्स आप ऑलरेडी जानते हैं, स्वीट पोटैटो। और बीन्स जो है वो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत यूज़फुल है। स्वीट पोटैटो जो शक्करकंदी खाते हैं हम, वो ऑरेंज वेजिटेबल्स में जो भी ऑरेंज कलर के संतरे कलर के होंगे वो। चाय में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। होल ग्रेन जैसे कि हमारे साबुत अनाज होते हैं, जैसे हम दालें हैं जो रात को फुला के या चने या फिर ये जितने भी होल ग्रेन्स, मतलब जो साबुत अनाज जिन्हें बिना कुछ छीले हम यूज़ करते हैं वो होल ग्रेन में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं जितनी भी रिसर्चेस लेटेस्ट होती हैं और जो हमारे फूड्स उनके बारे में मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियोज़ डाल चुकी हूँ, कुछ रेसिपीज़ भी हैं तो आप देख सकते हैं। तो शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इस बटन को दबाने से, सब्सक्राइब के साइड में जो बटन है उसको, इससे आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। और इससे पहले मैं एंड करते हूँ, उससे पहले मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इससे पहले मैंने काफ़ी कुकिंग के वीडियोस भी हैं और योगा के हैं, तो आप चाहें तो जाकर उनको देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।